दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए खास है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड, अपने बच्चे या अपने एम्प्लॉय पर आप लाइव नज़र रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस ऐप की मदद से आप किसी के भी लाइव कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, किसी के भी लाइव वीडियो या इमेज को कैप्चर कर सकते हैं, उसके करंट लोकेशन का पता लगा सकते हैं। दोस्तों आप उसके सारे मोबाइल एक्टिविटीज पे लाइव नज़र रख सकते हैं बिना उसके जाने। तो दोस्तों इसकी पूरी जानकारी पाने के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो स्टार्ट करने के पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया हूँ। तो दोस्तों आप इसका यूज़ सिर्फ लीगल वे में करें, अनलीगल टाइप से, या इसका मिसयूज ना करें। अगर दोस्तों आप इसका मिसयूज करते हैं तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। दोस्तों ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, तो हम इसे गूगल से डाउनलोड करेंगे। उसके लिए दोस्तों हम अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं स्पाई ह्यूमन। दोस्तों मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आ रहा है spyhuman.com, हम इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे दोस्तों एक डाउनलोड का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से दोस्तों आप इसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने दोस्तों यहाँ पर इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसके सारे फीचर्स के बारे में बताया गया है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ और फिर डन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारे परमिशन देने होंगे, क्योंकि दोस्तों आप इस फ़ोन को पूरी तरह से एक्सेस करना चाहते हैं। उसके लिए दोस्तों हम ऑल एक्सेस परमिशन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम गो टू सेटिंग पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर दोस्तों हम परमिशन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम सारे एप्लीकेशंस को यहाँ पर ऑन कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे बैक कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम GPS लोकेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इसे ऑन कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इसे एक्टिवेट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम नोटिफिकेशन सर्विस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इसे ऑन कर देते हैं। अब दोस्तों जो लास्ट ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी सर्विस, हम इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम सिक्योर सर्विस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इसे ऑन कर देते हैं। अब हम इसे बैक कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों टर्म्स ऑफ यूज़ के बारे में दिए हुए हैं, आप इसे यूज़ करने के पहले पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर एक्सेप्ट एंड एग्री पे क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। दोस्तों ये आपको उस वक्त काम आएगा जब आप उसके मोबाइल एक्टिविटीज़ को लाइव देखना चाहेंगे अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर पर। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों डिवाइस नेम में आप अपने मोबाइल या फिर अपना नाम दे सकते हैं और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपका ईमेल और यहाँ पर आप एक नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनेबल और अनइंस्टॉल। तो यहाँ पे दोस्तों हम इनेबल पर क्लिक करते हैं। दोस्तों इनेबल पर क्लिक करते ही सारे जो फंक्शंस हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और ये जो एप्लीकेशन है ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगे। इससे दोस्तों किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसके मोबाइल में कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल है। तो आपने देखा दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन था वो ऑटोमेटिकली हाइड हो चुका है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसे कैसे ट्रैक कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों हम अपने ब्राउज़र में टाइप करते हैं spyhuman.com। तो दोस्तों हमारा spyhuman का वेबसाइट खुल चुका है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें लॉगिन करना पड़ेगा। अब दोस्तों आपको यूज़र नेम में अपना ईमेल आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है जो आपने क्रिएट किया था। दोस्तों जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो आपको अपना ईमेल को वेरीफाई करना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों मैंने अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई कर रखा है, तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड से इसे लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे फ्यूचर्स आपको फ्री में मिलते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत सारे फ्यूचर्स के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ से दोस्तों आप उसके इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल का डिटेल्स देख सकते हैं और यहाँ से दोस्तों आप उसके सारे SMS को पढ़ सकते हैं और यहाँ से दोस्तों उसके लास्ट 10 GPS लोकेशन का पता लगा सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों आप उसके गैलरी से फ़ोटो एंड वीडियोस को देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको प्रीमियम वर्जन यूज़ करना पड़ेगा।
और यहाँ से दोस्तों आप उसके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में जान पाएंगे। इसको दोस्तों है सोशल मीडिया। दोस्तों आपको इस फीचर्स को यूज़ करने के लिए भी आपको प्रीमियम वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे है दोस्तों वेब डिटेल्स। यहाँ से दोस्तों उसके पूरे ब्राउजिंग हिस्ट्री के बारे में आप पता कर सकते हैं कि वो कौन से डेट में कौन से वेबसाइट पर विजिट किया है। इसके बाद दोस्तों है कॉल रिकॉर्डिंग्स। दोस्तों आप उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को यहाँ से सुन सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसके लिए भी आपको प्रीमियम वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों इसके लेफ्ट पैनल में है रेस्ट्रिक्शन। दोस्तों आप इसकी मदद से आप उसके कैमरे को या फिर उसके वाईफाई को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। और दोस्तों इसके नीचे है ऐप्स डिटेल्स। यहाँ से दोस्तों उसके मोबाइल में इंस्टॉलेट किए हुए ऐप के बारे में आप जान सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहें तो उसे यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हैं। इसको दोस्तों जो अगला ऑप्शन है रिमोट कंट्रोल। दोस्तों यहाँ से आप अपने फ़ोन को वाइब्रेट कर सकते हैं, अपने फ़ोन को रिंग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहें तो वहाँ के लाइव रियर या फ्रंट कैमरे से उसकी इमेज या वीडियो कैप्चर कर सकते हैं और उसे पता भी नहीं चलेगा कि आप उसकी इमेज या वीडियो को कैप्चर कर रहे हैं। इसको दोस्तों जो अगला ऑप्शन है कॉल रिकॉर्डिंग। इसके बाद है लाइव रिकॉर्डिंग। दोस्तों आप उसकी लाइव रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं कि वो किससे क्या बात कर रहा है। इसके बाद दोस्तों है फाइल एक्सप्लोरर। दोस्तों आप इस फीचर्स की मदद से आप उसके गैलरी या फिर उसके एसडी कार्ड की सारी फाइल्स को आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों है सोशल मीडिया एंड रिसीव। इस फीचर की मदद से दोस्तों आप उसके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीचैट, इन सभी पर आप नज़र रख सकते हैं कि वो अपने व्हाट्सएप, फेसबुक पर क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने इसके सारे फीचर्स आपको बता दिए हैं। दोस्तों अगर आप इस ऐप्स को कभी रिमूव करना चाहें या फिर इसे अनइंस्टॉल करना चाहें तो उसके लिए दोस्तों दो ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके लिए दोस्तों आप अपने अकाउंट पे क्लिक करें। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं अनइंस्टॉल कोड। दोस्तों जिस मोबाइल में आपको उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है वहाँ पर डायल करना होगा 9001*। इसे डायल करते ही दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएंगे अनइंस्टॉल करने का। आप वहां से इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं या दोस्तों अगर आप चाहें तो आप उसे यहां से भी रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको उसके मोबाइल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा करता हूं दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके हमारे नए वीडियो के अपडेट्स पा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।